मिशन पूरे पाकिस्तान में जारी है। और इसके लिए हमारी जो वैन है उसमें सहूलत ये है कि फ्री चेस्ट एक्सरे, फ्री शोल्डर टेस्ट और फ्री अद्वैत की सहूलत, मतलब तमाम टेस्ट वगैरह जो है वो भी फ्री है। जितना हो सकता है हमारी तरफ से हम पेशेंट को सहूलत देते हैं और हमारी जो मिशन है बिल्कुल बस टीबी से काटने के लिए। अच्छा, एक नॉर्मल जैसा अगर टीबी का मरीज है तो इसे कितने अर्से में इसका इलाज होता है या कितने इसके टाइम ड्यूरेशन होता है? तो बस देखिए, इसका जो इलाज है ये तकरीबन 6 महीने का और इसकी जो अद्वैत है मुकम्मल जो इसका खर्चा है हमारा जो एक पेशेंट का ये 50,000 है तक का जो इसका खर्चा। अच्छा, यानी एक पेशेंट का 50,000 रुपये तक ये एक्सपेंस आ जाए। तो ये हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री होता है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को जो ये पेशेंट मिलते हैं ये गरीब इलाके हैं, पुअर इलाके और जो ज़्यादातर जहाँ गोल्ड वगैरह हैं कच्ची आबादी है जहाँ ज़्यादातर कैंपिंग करते हैं और इसमें गरीब तबका जहाँ होते हैं उधर ही इस बीमारी का ज़्यादा फायदा हो ज़्यादातर हमारा जो है। अच्छा, टीबी जो है अक्सर आपने सुना है कि कपड़े से या दूसरे चीज से ये सांस के जरिए खांसी की वजह से। और अच्छा, और इसका जैसा अक्सर देखा होगा आपने जहन के जरिए उससे भी है नहीं इसका ये ज़्यादातर ये है कि कचरा कुंडी और गंदा पानी वगैरह जो है हमारा एटमोसफियर मतलब हमारे साथ इस टाइम के मेहमान जनाब डॉक्टर हबीब रहमान साहब अभी मेडिकल सेंटर रन कर रहे हैं माशाल्लाह से जमाल पाड़ा लासी रोड में इस कराची के दूर अफ्तादा इलाके में। आज माशाल्लाह से जो इन्होंने एक महफिल सजाई जिसमें सेहतमंद जिंदगी की टीम टीबी की परफॉर्मेंस कर रही है, टीबी का टेस्ट एक्सरे और उसकी रिपोर्ट की बात इस ट्रेनिंग, उसके साथ साथ सैलानी की टीम मौजूद है यहाँ पे, ज्यूलाइफ की टीम मौजूद है यहाँ पे और डेंटल केयर की डॉक्टर हबीब को आप देख रहे हैं यकीनन। तो डॉक्टर हबीब साहब से जानेंगे कि आप माशाल्लाह से इस तरह की एक्टिविटी हर महीने करते रहते हैं लोगों की सहूलत के लिए, तो क्या ऐसा जज्बा आपके अंदर है कि जी आप लोगों को मुफ्त यकीनन और सहूलत आज आप भी यकीनन सुबह से लेके मुझे बल्कि कल रात से आप एक्टिव नज़र आ रहे हैं मुझे इस कैंप के लिए और पहले तो मुबारकबाद कि आपने इस इलाके में इतना बहुत पुरबकार एक कैंप लगाया आवाम की सहूलत के लिए, हेपेटाइटिस का भी एहतमाम किया गया, टीबी का भी और मुख्तलिफ डिलीवरी के हवाले से बहुत सारे डिस्काउंटेड पैकेज हैं, लैब पर डिस्काउंट पैकेज हैं, तो इस हवाले से आप अपना व्यूज दें और लोगों में आप जैसे बताएं कि किस तरीके से करते हैं ये सारा कुछ। आप माशाल्लाह से एक स्कूल भी रन कर रहे हैं, स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, इतने सारी मसरूफियात में से आप किस तरीके से मैनेज कर लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग लासी गोट और हबीब मेडिकल सेंटर में, ये मेरा तकरीबन कोई 8वां 9वां कैंप है जो मैं अपने इस इलाके में कर रहा हूँ और मेरे मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे बहुत सारे कैंप्स में डॉक्टर जामी के साथ भी किए हैं, इसी तरह बहुत सारे इलाकों में मैंने कैंप भी करता रहता हूँ। मेरे अंदर ये एक जज्बा है और ये मेरा एक एम है कि अल्लाह ने मुझे एक इस तरह हौसला दिया कि मैं जाकर लोगों की खिदमत कर सकूँ। जिस तरह मुझे एक नज़र आया कि यहाँ पर मैं पिछले 2 महीने से देख रहा हूँ यहाँ पर पेशेंट्स आ रहे हैं जिसमें मलेरिया और ये टाइफाइड के पेशेंट बहुत ज़्यादा है, हेपेटाइटिस के पेशेंट बहुत ज़्यादा नज़र आए, तो मैंने इस तरह लोगों से जो है रुजू किया, सेहतमंद से रुजू किया, उन्होंने जाके अच्छा रिस्पॉन्स दिया माशाल्लाह। आज यहाँ पर मौजूद सैलानी यहाँ पर मौजूद हैं, सेहतमंद लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर डॉक्टर यामिन कुरैशी साहब मौजूद हैं कैल्शियम विटामिन D3 के हवाले से, यहाँ पर आयशा लेब के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर जीव लाइफ हॉस्पिटल से डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, इन सब की खिदमत इस इलाके के लिए जो है यहाँ पर जो है वो अभी जारी है। अल्लाह पाक इनकी जो है ये कावाशों को जो है इनको कामयाब फरमाए, इनको और तरक्की अदा फरमाए। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पर आकर लोगों को जो ये टेस्ट के लिए परेशान है, इन कामों के लिए, इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, ख़ासतौर पर हेपेटाइटिस के जो मामला हैं तो यूँ होते हैं कि लोगों को मालूम होती नहीं है और वो खाना और ये सारी चीज़ों में बड़े मुबतला रहते हैं ऐसी चीज़ों में। तो आज हमने ये सोचा कि यहाँ पर आकर हम यहाँ कैंप करें और यहाँ सैलानी का हमने जो है यहाँ पर खिदमत की है और इन्होंने जाकर यहाँ पर आकर आज माशाल्लाह कोई 46 मिलाऊंगा और आज यहाँ पर मौजूद लोग जो है माशाल्लाह यहाँ पर कैंप
टेस्ट किए हैं, बिल्कुल मुफ्त किए हैं, बिल्कुल फ्री किए हैं। बहुत अच्छा रवैया रहा पेशेंट के साथ यहाँ पर। खुसूसन ऐसा होता है कि कैंप वाले दिन जो है बहुत ज़्यादा जो है डॉक्टर साहब की जो है वो कमेंट जो है बड़े सख्त होते हैं, पेशेंट नाराज होते हैं, मगर मुझे यहाँ मोहल्ले के जो लोगों से कमेंट जो है बहुत अच्छे मिले, पॉजिटिव मिले। मैं केयर न्यूज़ हमेशा जो है इस तरह हेल्प पे काम कर रही है, उनका बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया, उन्होंने जो है अवेयरनेस का काम स्टार्ट किया। मैं खुद केयर का एक मेम्बर यहाँ पर मौजूद, और इस तरह जो है मेरा एक स्कूल है जहाँ पर मैंने मुख्तलिफ कैंप्स किए हैं बच्चों के हवाले से, ताकि बच्चों को जो है वो अवेयरनेस मिले, उनको जो है पहले से अब मालूम हो कि उसमें क्या ऐसी कमी है जिसको मैं अपने आने वाले वक्त में जो है वो केयर कर सकूँ, और मेरी जो है नस्ल मजीद जो मेरी नस्ल है वो जो है बहुत बेहतर हो सके, जिससे जो है हेल्थ से जो है आपकी बहुत सारे स्टडीज से ताल्लुक रहता है। अगर आप सेहतमंद हैं तो आप अपनी स्टडी को बहुत अच्छी तरह जारी रख सकते हैं। तो यहाँ मोहल्ले में जो है हमने ये अहमद जमाल पाड़ा लासी और गड़ापुर में मौजूद इलाका एक प्री मेडिकल सेंटर में जो है इन सारे लोगों का बहुत मशहूर हूँ। सरेआम का भी शुक्रिया अदा कर, सरेआम का तो स्पेशली क्योंकि ये बुनियाद जो है उन्होंने रखी, उन्होंने यहाँ पर आगे इस कैंप का जो खसूसी जो है पैगाम उन्होंने हमारी तरफ जो है उन्होंने रुजू किया, और आज जो है ये लोग यहाँ पर मौजूद बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्सिबल जो है काम जो है हमें नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा मशहूर उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जामिल साहब आपका भी कि आप जो है इस तरह इलाकों में देखते हो, आपको भी बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं लोगों की, और इस तरह बहुत सारे कैंपिंग कर रहे हैं और सुबह से लेकर अपना वक्त लगाते हैं। आज हम तमाम लोगों का इसी तरह जो है काम छोड़कर दिन था, और इसमें भी सारे लोग आए, उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा लोगों की जो है खिदमत की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हबीब साहब, सारे मौजूद हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। में हमारे साथ सैलानी की टीम के एआर साहब मौजूद हैं, जो कि सैलानी का जो पार्टिसिपेशन रहा यहाँ इस कैंप में, सैलानी और तो बहुत सारे प्रोजेक्ट काम कर रही है, लेकिन एक प्रोजेक्ट इनका खासा है कि जी हेपेटाइटिस बी और सी की वैक्सीनेशन और टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो आया साहब से ये जानेंगे कि आज के इस टेस्ट पर यहाँ पर आपने इस इलाके में कैसा पाया और कैसे रुझान है, यहाँ पर हेपेटाइटिस कि पेशेंट तो ज़्यादा नहीं निकले, या किस तरीके से आप समझते हैं कि जी यहाँ पे कितने पेशेंट हैं? अया सर, हमने यहाँ तक अभी जो पेशेंट मिले हैं उसमें अलहमदा सही रिजल्ट हमें मिला है। उसमें तकरीबन पेशेंट जो है ना 50 में से तकरीबन जो है ना 2% कहेंगे कि उसमें से जो है रिएक्टिव पेशेंट आए, तकरीबन जो है ना नॉन रिएक्टिव आए, उसमें से नॉन रिएक्टिव आए। या सर ये एक खुश आयन इकदाम है, इसकी बनस्बत किसी और इलाके में जाते हैं तो ज़्यादा होते हैं ऐसा कुछ है? हम ये आप एक चीज़ देखेंगे, हम अभी रिसेंटली गए थे हैदराबाद में ग्यारह जी, वहाँ पर उसका रेशो इतना ज़्यादा है कि हम ये नहीं कह सकते कि 100 में से तकरीबन जो है 80% हमें वहाँ पर इसका रेशो मिला है। अच्छा अया सर, इसके बाद जब एक्टिव आ जाता है पेशेंट का हेपेटाइटिस बी या सी, तो उसके बाद का मरहला क्या होता है, पेशेंट किस तरीके से गाइड करते हैं आप? उसके बाद हम ये करते हैं उसका टेस्ट करवाते हैं पीसीआर मे भी, अगर वो उसका रेशो बहुत ज़्यादा होता है तो हम उसको इलाज के लिए रिकमेंड करते हैं। तो वो टेस्ट आने के बाद ही जो हम बता सकते हैं कि उसका जो है इलाज किस तरह करना है। आप अपने सेंटर पर बुलाते हैं इलाज? सैलानी वेल्थ पर अलहमदिल्ला उन्हें वहाँ बुलाकर उनका फ्री इलाज करता है। अगर उनको वैक्सीन करवानी होती है वैक्सीन भी सैलानी अपनी तरफ से करवाती है, अगर उनको मेडिसिन करनी होती है तो मेडिसिन भी जो है सैलानी अपना जमीन लेती है। अच्छा, बहुत खुशायंद इकदाम है कि शहर कराची में, ना सिर्फ शहर कराची में, और जैसे कि आज साहब ने बताया कि हम हैदराबाद भी गए थे, तो ये दायरा कार बढ़ा रहे हैं। तो यकीनन हम दुआगो हैं सैलानी के लिए और आपकी टीम के लिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको और खिदमत खल्की खिदमत की जो है खिदमत करने का मौका दें। बहुत शुक्रिया या साहब आपके ताउन का, बहुत शुक्रिया। जमाल पाड़े में डॉक्टर हबीब मेडिकल सेंटर है, और यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है जिसमें फैसिलिटीज दी गई हैं। जियो लाइफ हॉस्पिटल की डॉक्टर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, जो सुबह 9 बजे से यहाँ पर 100 से 1000 डॉक्टर शहजाद साहब से जानेंगे यहाँ किस तरह की डिजीजेज हैं और वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल की जानेब से डॉक्टर हबीब मेडिकल सेंटर। ऐसे हमारा इलाका भी कैंपेन निकाल किया है जिसमें जियो लाइफ वाले पूरी सपोर्ट कर रहे हैं उनको। हमारे जो पैकेजेस हैं सीजर वगैरह हैं, ऐसे पेशेंट को हम दे रहे हैं। आज के दिन जो रजिस्ट्रेशन हो रही है 14,000 में विद मेडिसिन हम सीजर कर रहे हैं, और एनवीडी नॉर्मल डिलीवरी जो है 5,000 रुपये में कर रहे हैं। और यहाँ पे जो पेशेंट प्रमोट हो रहे हैं वो स्किन के हवाले से ज़्यादातर है, स्किन डिजीज़ के हवाले से। तो GIT सिस्टम, GIT का है, उसका लीवर डिस्टर्ब है, यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंट के साथ ऐसे पेशेंट प्रमोट हो रहे हैं, ठीक है। लूज मोशन वोमिटिंग वाले, पानी का थोड़ा सा इश्यूज़ है, पानी का सीवरेज का थोड़ा सा मसला है, जिसकी वजह से ऐसे प्रमोट हो रहे हैं।
टाइफ मलेरिया वाले पेशेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा है। ऐसे इलाके में पसमानदा इलाकों में बहुत ज़्यादा इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों को, किस तरीके से सर्विसेज देनी है। डॉक्टर हबीब ने इससे ऐसे कैंप को इनकार किया जहाँ पर सारी चीज़ें वो प्रोवाइड कर रही हैं। यहाँ पर उन्होंने बेहतर के साथ स्पोर्ट के साथ उन्हें टीबी गट रखा हुआ है, टीबी गट मुफ्त चेकअप कर रहे हैं और टेस्ट वगैरह भी कर रहे हैं। उनके एक्सरे के लिए बाहर गाड़ी खड़ी हो जाते हैं, अभी फॉरन एक्सरे किए जा रहे हैं और सैलानी वालों के साथ मिलकर उन्हें आइस कैम्प का भी इनकार मिला है जहाँ बेहतर से बेहतर सारे जान देते हैं। आपकी का बहुत शुक्रिया और आपकी भी उसका जो आपने बताया यहाँ पर जो पानी की जो सूरत हाल है उस हवाले से भी के न्यूज आला हुकाम से बात करके यहाँ के जो एमपी हैं उन तक हम ये पहुँचाएंगे कि यहाँ के पानी की सूरत को बहुत बेहतर।